क्या आप ही ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं और अपना यूनिक स्टाइल सबके सामने फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है स्टेटमेंट नेकलेस। जब भी आप स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनते हैं तो आपका जो लुक है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है बिना कुछ भी बोले। सो अगर आपको भी नेकलेस या स्टेटमेंट नेकलेस पसंद हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनको किस तरीके से आप ठीक से स्टाइल अप करें, सो टुडेज वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। सो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्टेटमेंट नेकलेस है क्या और उसे हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं और क्या उसके डूज एंड डोंट्स हैं, वो सब मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ अपनी इस वीडियो में। सो गाइज, बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टेटमेंट नेकलेस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ज्वेलरी पहनते ही क्यों हैं। हम ज्वेलरी सिर्फ इसलिए पहनते हैं अपने किसी भी आउटफिट के साथ ताकि हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी पर्सनालिटी है और हमारा जो सिग्नेचर स्टाइल है वो हम सबके सामने सबको दिखा सकें। एंड आज की ये वीडियो भी हमारी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जिसकी थोड़े टाइम पहले मुझे रिक्वेस्ट की गई थी। सो मैं चाहती थी कि मैं बहुत इलैबोरेटेड तरीके से आपको इस सब के बारे में बता सकूं और मैंने कोशिश की है कि अपना हर पॉइंट इस वीडियो में आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले व्हाट इज स्टेटमेंट नेकलेस, हमारे स्टेटमेंट नेकलेस होते क्या हैं? ये खूबसूरत से बोल्ड से ऐसे नेकलेस होते हैं जिन्हें जब भी पहना जाता है तो वो सामने वाले पर अपना एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये बोल्ड होते हैं, चंकी होते हैं, यूनिक होते हैं और अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। किसी भी तरीके के जो नेकलेसेस हैं किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, लेकिन जब आप इसको लेने जाते हैं ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को आपने पिक कर लिया। सबसे पहले तो आपको अपना स्टाइल स्टेटमेंट पता होना चाहिए। लाइक आई ऑलवेज से माय नेक इज़ शॉर्ट, सो आई नेवर वेयर द चोकर्स। चोकर्स खासकर जो नेक से लगे हुए होते हैं, आई अवॉइड दैट। मैं इस तरीके के चोकर पीसेस पहनना पसंद करती हूँ। सो ऑलवेज कीप इन माइंड योर बॉडी स्ट्रक्चर। इस तरीके के जो स्टेटमेंट नेकलेस होते हैं या आपकी जो आपका आउटफिट है उसको एकदम से स्पाइस अप कर देते हैं आपके लुक को। स्टेटमेंट नेकलेस सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप उसको मोनोक्रोमैटिक आउटफिट के साथ पहनते हैं। मोनोक्रोमैटिक आउटफिट मीन्स द सिंगल कलर आउटफिट, या फिर वो आउटफिट मैक्सिमम दो कलर्स हो, उससे ऊपर अगर ज़्यादा कलर्स हो जाते हैं तो स्टेटमेंट नेकलेस को पेयर करना या स्टाइल करना बहुत ट्रिकी हो जाता है और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसका वो लुक नहीं आता है जो लुक आपका सिंगल कलर या फिर अप टू टू कलर्स आपका जो लुक क्रिएट होता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर आपको अच्छा लुक चाहिए तो आपका आउटफिट जो है वो सिंगल कलर हो या फिर उसके अंदर ज़्यादा कलर्स ना हो। अगर आपके ड्रेस में कलर ज़्यादा हैं, इन दैट केस आपके पास एक इस तरीके का नेकलेस होना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर सिंगल कलर्स हों, यानी कि स्टोन्स जो भी यूज़ हों उस नेकलेस के अंदर वो एक ही कलर के हों। तो इस तरीके से न्यूड कलर का आपके पास एक स्टेटमेंट नेकलेस तो होना बनता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का कि स्टेटमेंट ज्वेलरी को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ज्वेलरी को स्टाइल करने के लिए हमें दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो है हमारे आउटफिट का क्या कलर है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप एक सिंगल कलर लुक के साथ अपना जो इस तरीके के बोल्ड चंकी पीसेज हैं उनको ट्राई करें। अब जो दूसरी चीज़ हमें माइंड में रखनी है वो है हमारे जो भी हमारी नेकलाइन है उसके अंदर कितना ओपन एरिया हमारे पास है। हम नेकलेस पहनते ही कहाँ हैं? हम नेकलेस सिर्फ उसी जगह पर पहन सकते हैं जो चीज़ हमारे सामने दिख रही है या जो नेकलाइन हमें अवेलेबल है। डिफरेंट नेकलाइंस के लिए डिफरेंट स्टाइल ऑफ नेकलेस हम पहनते हैं, लेकिन उन्हें हम कैसे पहनते हैं वो उसके लिए एक सीधा सिंपल सा फंडा है मेरा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उस फंडे के अकॉर्डिंग जितना छोटा आपके आउटफिट का गला होता है उतना ही लॉन्ग आपका नेकलेस होता है और जितना ही बड़ा आपकी नेकलाइन होती है, जितनी डीप आपका नेक होता है उतना ही ब्रॉड चंकी और शॉर्ट इन साइज आपका नेकलेस होना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सा छोटा सा फंडा है जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर ले और थोड़ा सा ऐसे माइंड में रख के अगर आप अपनी ज्वेलरी को स्टाइल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ एवरीवन।
सो गाइस, अभी कुछ एक नेकलेसेस को मैंने कुछ एक अलग अलग नेकलाइंस पर ट्राई किया है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले स्कूप नेक। स्कूप नेक में सबसे ज्यादा ओपन एरिया होता है नेकलाइन में, तो इसके लिए आपको इस तरीके के ब्रॉड एंड बोल्ड नेकलेस ऑप्ट करने चाहिए। देन आई विल टॉक अबाउट द क्रू नेक। इस तरीके के क्रू नेक में आपको हमेशा नेक लाइन जो आपकी है, जिस जो स्टिचिंग है उसकी, उससे लगे हुए कॉलर स्टाइल या बिब स्टाइल नेक पीस पहनने चाहिए। यहाँ मैं आपको सेम नेक पर दो तरीके के नेक पीस पहनकर दिखा रही हूँ। देन वी नेक्स। वी नेक्स में आपको ऐसे नेक पीस ऑफ करने चाहिए जिनमें थोड़ा सा वी स्टाइल हो। वी लाइन में अगर फ्रिंजेस आपके पास हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ मैंने क्रू स्टाइल नेकलाइन के साथ लॉन्ग नेकलेस यूज़ किया है, जिसमें जो दो कलर्स मेरे आउटफिट में है वही दो कलर्स मेरे नेक पीस में है। जब भी ऐसा होता है तो हमारा नेकलेस जो है वो कम हाईलाइट होता है। अब सेम उसी नेक पीस को जब मैंने ब्लेजर के साथ एक सिंगल कलर टॉप पे पहना तो आप देख सकते हैं कि उसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अब यहाँ मेरा टॉप वी नेक में था तो उसके साथ आप इस तरीके के वी लाइन ज्योमेट्रिकल नेक पीस भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलर नेक पर आप इस तरीके के बोल्ड चंकी मेटालिक पीसेस को बाहर की तरफ रखते हुए पहन सकते हैं। यहाँ पहले मैं आपको एक ऑक्सीडाइज मेटालिक पीस के साथ दिखा रही हूँ, दूसरा एक वेस्टर्न पीस को, और टी शर्ट में कॉलर नेक होने पर हमेशा इस तरीके के जो डेलिकेट चेन पेंडेंट्स होते हैं उनको ही पेयर कीजिए। दे विल श्योरली स्पाइस अप योर लुक। अगर आपकी नेकलाइन इस तरह से शॉर्ट है तो उसके साथ हमेशा पेयर कीजिए इस तरीके से स्ट्रिंग वाले लॉन्ग नेकलेस। स्क्वायर नेक सबसे अच्छे लगते हैं बोल्ड एंड बेरियर नेक पीस। आप चाहें तो बोल्ड ज्योमेट्रिकल नेक पीस को भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अभी आपने देखे वो नेकलाइंस जो बहुत कॉमन हैं। अब कुछ एक और नेकलाइंस हैं जिनके अंदर हमारे आते हैं ऑफ शोल्डर्स। ऑफ शोल्डर पे जो सबसे प्यारी चीज़ लगती है या सबसे अच्छी लगती है वो होते हैं हमारे चोकर्स। इस तरीके के जो टॉर्क्स होते हैं, टॉर्क नेकलेस होते हैं, लाइक हसली टाइप नेकलेस, ये वाले इस तरीके के, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के साथ। इसके अलावा हमारे जो फैब्रिक चोकर्स होते हैं या फिर इस तरीके से जो चोकर्स होते हैं वो भी पहने जा सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ काउल नेक्स की। काउल नेक्स के साथ अवॉइड ही कीजिए किसी नेकलेस को पहनना, क्योंकि उसका गला अपने आप में ही अटेंशन ग्रैबिंग होता है। इन दैट केस अगर आप कोई नेकलेस पहन लेंगे तो दो चीज़ें आपस में क्लैश हो जाएंगी, इसलिए ऑलवेज अवॉइड एनी नेकलेस विद योर काउल नेक। और उसके साथ हमेशा आपको बोल्ड इयररिंग्स कैरी करने हैं। अब मैं बात करूंगी हाई नेक्स होते हैं, लाइक उसके साथ चाहे वो डबल लेयर्ड हो चाहे वो सिंगल ऊंचे नेक्स हो, उनके साथ हमेशा आपको पहनने होते हैं लंबे स्ट्रिंग टाइप नेकलेसेस, लाइक द वन आप इस तरीके से स्टैग्ड नेकलेस पहन सकते हैं या फिर इस टाइप की स्ट्रिंग्स लाइक दिस। इस तरीके का जो है ना, बिल्कुल यार एक एक पीस बिल्कुल ऐड करके रखो अपनी कलेक्शन में, क्योंकि एक तो ये दिखने में बहुत रिच लुक देते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको स्टाइलिश बना देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। यार सबसे पहले तो अगर आपने कोई स्टेटमेंट पीस पहना है तो उसके अलावा बाकी सारी ज्वेलरी को म्यूट रखें। लाइक अभी अगर मैंने एक बोल्ड नेकलेस पहना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इयररिंग्स को बिल्कुल म्यूट रखा है। सो गाइस, दूसरी चीज़, आपकी जो नेकलाइन है उस पर कोई वर्क है या नहीं है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। लाइक अगर उसके ऊपर हैवी वर्क है तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, आपको बिल्कुल कोई नेकलेस की ज़रूरत नहीं होती है।
आपको सिर्फ अपने इयररिंग्स को हैवी रखना होता है। आपको याद रखना है कि डोंट ओवरली एक्सेसराइज योर सेल्फ। ज्वेलरी को हमेशा बहुत तरीके से सलीके से पहना जाता है, और जिसको ये सलीका और तरीका आ जाते हैं ना, तो वही जो इंसान होता है ना, वो स्टाइलिश गिना जाने लगता है। गाइस, अपने आपको एक मॉडिश लुक देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इन्वेस्टमेंट करें। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए ये कुछ एक स्टाइलिंग टिप्स की, और इसके बाद आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में ही अपने आप को एक स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। सो गौर कीजिएगा आज के हमारे ये शेयर किए हुए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पर। इन सबको माइंड में रखते हुए आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली चेंज और अपडेट योर लुक। और अगर आपको पसंद आया आज के वीडियो, तो जो नीचे लाइक का बटन दिया है ना, उसको जल्दी से कर दो आप प्रेस। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरीके के स्टाइलिंग टिप्स और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अलॉन्ग विद दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। और जो भी ज्वेलरी आज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, वो आपको इंस्टाग्राम मेरे हैंडल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। टेक केयर, बाय बाय।